नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स और आपके साथ मैं हूं विनोद जौनपुर। तो आइए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। आदित्यपुर में बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर कार्तिक गोप की चाकू घोंप कर हत्या, घर से कुछ ही दूरी पर घात लगाए थे हत्यारे। उलीडी में सन की पति ने डंडे से पीट कर पत्नी को मार डाला, घटनास्थल से फरार। राजनगर में तालाब में नहाने गए युवक के गले में फंसी जीवित मछली, इलाज के अभाव में हालत चिंताजनक। देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनी ईद, एक दूसरे के गले लगाकर दी मुबारकबाद। और प्रशासन रहा मुस्तैद, चप्पे चप्पे पर जवानों और रैफ की थी तैनाती। आइए अब खबरों को विस्तार से देख लेते हैं। आदित्यपुर थाना क्षेत्र के सतमोहनी निवासी कार्तिक गोप नामक 38 वर्षीय बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर की चाकू घोंप कर हत्या कर दी गई। सुबह वो अपने घर से निकला और घर से कुछ दूरी पर ही उस पर घात लगाया हमलावरों ने हमला कर दिया। सरायकेला जिले के आदित्यपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत सतमोहनी निवासी कार्तिक गोप की बीती रात अज्ञात अपराधियों ने चाकू मारकर हत्या कर दी। मृतक कार्तिक की हत्या उसके घर से करीब 100 मीटर की दूरी पर की गई। गौरतलब है कि कार्तिक को पहले आदित्यपुर स्थित आशियाना में रहते थे और वहां से अपने बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई का बिजनेस करते थे, लेकिन कुछ दिनों से सतमोहनी में भाड़े पर रहकर गिट्टी बालू और ईंट की सप्लाई का काम कर रहे थे। व्यावसायिक प्रतिद्वंद्विता में हत्या को लेकर पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। वहीं पुलिस ने बताया कि गिट्टी बालू और ईंट के सप्लाई में काफ़ी प्रतिद्वंद्विता है, शायद इसे आपसी वर्चस्व को लेकर कार्तिक की हत्या की गई है। फिलहाल पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सतबहनी धीराजगंज में बाबू गोप नाम का एक लड़का रहता था रेंट पे, उसी की हत्या हुई है। उसी संबंध में हम लोग जाके जांच पड़ताल किए हैं और इसमें क्या कारण है हत्या, कुछ पता चला है? अभी जांच पड़ताल चल रहा है, अभी कुछ स्पष्ट नहीं हुआ। उलडी थाना अंतर्गत शांति विहार निवासी रेखा देवी नामक महिला की उसके पति रविंद्र सिंह ने डंडे से पीटकर हत्या कर दी। घटना मंगलवार सुबह लगभग 5 बजे की है। घटना के बाद हत्यारा पति मौके से फरार हो गया। उलडी थाना अंतर्गत शांति विहार कॉलोनी निवासी रेखा देवी की उसके पति रविंद्र सिंह ने हत्या कर दी। घटना मंगलवार तड़के बताई जा रही है। घटना को अंजाम देने के बाद रविंद्र मौके से फरार हो गया। इधर लहूलुहान अवस्था में रेखा को देख पड़ोसियों ने इसकी सूचना मकान के देखरेख करने वाले भूपेंद्र यादव को दी। भूपेंद्र मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी उलडी पुलिस को दी। इधर सूचना पाकर डीएसपी पट्टमदा सुमित कुमार, उलडी थाना प्रभारी मेघनाथ मंडल मौके पर पहुंचे और मामले की जांच में जुट गए। मिली जानकारी के अनुसार मकान योगेंद्र प्रसाद का है और उसमें टुनटुन यादव किराए के मकान में रहता है। टुनटुन अपने परिवार संग शादी समारोह में शामिल होने गया है। वो अपने घर का जिम्मा अपनी साली रेखा देवी को देकर गया था। रेखा देवी सोमवार को ही अपने बच्चों के साथ मकान में आई थी। बच्चों ने बताया कि वे लोग डिमना चौक के पास रहते हैं। उसके पिता रविंद्र एक ट्रक चालक है। आज सुबह पिता अचानक आए और माँ के साथ लड़ाई करने लगे। इस बीच उन्होंने एक बड़ी सी लकड़ी उठाकर उसके सिर पर दे मारी। घर जो है योगेंद्र प्रसाद का है और किराएदार हमको फोन किया, उसके फोन पर हम आए हैं 6:10 में। इसके बाद देखे कि बाहर में गिरा हुआ है, माथा में बहुत चोट है, बहुत खून गिरा हुआ है। इसके बाद हम सीधे चले गए उलेडी थाना, थाना प्रभारी को सूचना दिए। इसके बाद पुलिस की गाड़ी वहां से आई। एक अजीबोगरीब घटना सामने आई है। सरायकेला खरसवां जिले के राजनगर में तालाब में स्नान करने गए आलू रजक के गले में एक जीवित मछली के फंस जाने से उसकी जान बर्बाद आई है। वह दर्द से तड़पता रहा, मगर एमजीएम में भी उसका कोई इलाज नहीं हो पाया। उसे रिम्स रेफर कर दिया गया है। सरायकेला खरसवां जिले के राजनगर थाना क्षेत्र के घारडी निवासी असालू रजक के मुंह में जिंदा मछली फंस गई है। मछली उसके गले में जाकर फंस गई है, जिससे वह तड़पता हुआ अपने घर वालों के पास पहुंचा। परिजनों ने उसे तत्काल इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल पहुंचाया, जहां से उसे बेहतर इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल रेफर कर दिया गया। मगर एमजीएम में भी इलाज की कोई सुविधा नहीं होने से उसे अन्य अस्पताल रेफर कर दिया गया है। परिजनों ने बताया कि असालू तालाब में नहाने गया था। मछली पकड़ने के दौरान वो तालाब में कूद गया। कूदते समय उसके मुंह में एक जिंदा मछली फंस गई। कहाँ रहता है? कहाँ? क्या हुआ, क्या बता दो। मछली पकड़ने गया था, मछली घुस गया। मछली घुस गया है, क्या बोल रहे हैं यहाँ का डॉक्टर? यहाँ का डॉक्टर बोला सामान नहीं है हम लोग का। तो कहाँ भेज रहा है, दूसरे अस्पताल में? सिंह में। तो मछली पकड़ने गया था, कब गया था? आज।
सरायकेला खरसवा जिले के कोलाबीरा में रेलवे ट्रैक पर एक अज्ञात व्यक्ति का क्षतविक्षत शव पाए जाने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। शव की पहचान नहीं हो पाई है, संभवतः ट्रेन से कटकर उसकी मौत हुई है। सरायकेला खरसवा जिले के कोलाबीरा ओपी क्षेत्र अंतर्गत बीरबास के समीप रेलवे ट्रैक पर एक अज्ञात शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना की जानकारी मिलते ही रेल पुलिस मौके पर पहुंच शव को अपने कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल शव की पहचान नहीं हो पाई, शव के क्षतविक्षत अवस्था में होने के कारण उसकी पहचान नहीं हो पाई है। एक माह की इबादत के बाद पूरे देश भर में प्रेम और भाईचारे का पर्व ईद हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। शहर में भी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नमाज अदा करने के बाद एक दूसरे से गले लगाकर मुबारकबाद दी। एक महीने की इबादत के बाद आज पूरे देश में प्रेम और भाईचारे का पर्व ईद मनाई जा रही है। जमशेदपुर में भी ईद की खुशियां मनाई जा रही है। सुबह शहर के सभी प्रमुख ईदगाहों में ईद की नमाज अदा की गई, जिसके बाद लोग एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। छोटे बच्चों में ईद को लेकर खासा उत्साह देखा गया। इधर ईद को देखते हुए पूरे शहर में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। प्रशासन की ओर से ईद के मद्देनज़र शहर में नो एंट्री लगाई गई है। भारी वाहनों के प्रवेश दिन के 1 बजे तक के लिए वर्जित किया गया है। ईद के दौरान प्यार और सौहार्द का माहौल बना रहे, असामाजिक तत्वों द्वारा किसी भी तरह की गड़बड़ी की कोशिश न हो, इसके लिए प्रशासन की ओर से चाक चौबंद तैयारी की गई थी। जिला पुलिस बल और रैफ की कंपनियों ने जगह जगह फ्लैग मार्च किया। ईद को देखते हुए पुलिस ने रैफ के साथ मिलकर मानगो और साक्षी में फ्लैग मार्च किया। इस दौरान पुलिस बल के साथ रैफ की एक कंपनी ने फ्लैग मार्च किया। पुलिस और रैफ के जवान पैदल ही क्षेत्र में गश्त करते नजर आए। इस दौरान लोगों से ईद को लेकर आपसी भाईचारा और सौहार्द बनाए रखने की अपील की गई। जानकारी देते हुए रैफ के असिस्टेंट कमांडर अनूप सिंह ने बताया कि ईद को लेकर पुलिस बल के साथ साथ रैफ के जवान भी मुस्तैदी से तैनात है। रैफ की एक कंपनी को लगाया गया है, जिसके लिए कुल 120 जवान मौजूद हैं। 60 जवान मानगो में और 60 जवान साक्षी में गश्त कर रहे हैं। मेरा नाम अनूप सिंह है, असिस्टेंट कमांडेंट 106 RF सुंदरनगर से आया हूँ। हमारी दो प्लाटून जो है, एक प्लाटून साक्षी और एक प्लाटून मानगो में फिलहाल जो है फ्लैग मार्च ड्यूटी कर रही है। ईद की तैयारियों के मद्देनजर जो है शांति व्यवस्था और सौहार्दपूर्ण माहौल बनाए रखने के लिए। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन अब कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज टाइम्स। मोहम्मद यूनुस खान्स, स्पेशलिस्ट इन कार एसी कंप्रेसर रिपेयरिंग एंड न्यू फिटिंग्स। बहुत अच्छा काम होता है यहाँ पे, और अभी कूलिंग कॉइल चेंज करवाए हैं और प्राइस एकदम रिजनेबल है। यहाँ पे आइए, काम बहुत अच्छा होता है और हम काफ़ी टाइम से हैं, एटलीस्ट हमको लगता है 5-7 साल से आ रहे हैं। पहली बार आए हैं, लेकिन हमारा एक साथी करवाए थे मनीष कुमार नागर, टाटा स्टील में हैं। उनका काम काफ़ी अच्छा हुआ था और इनके बारे में बोले थे, यही बढ़िया काम करते हैं। एक्यूरेट मेजरमेंट, वैल्यू फॉर योर मनी एंड योर फैमिलीज कंफर्ट, कार एसी रिपेयरिंग एंड न्यू फिटिंग विद लेटेस्ट मशीन, एक्सपर्ट हैंड्स, रीजनेबल रेट, ग्राहकों की संतुष्टि हमारा लक्ष्य, वर्षों से आपके विश्वास पर कायम। मोहम्मद यूनुस खान, शहीद निर्मल महतो गैरेज गांव, ओसी रोड नियर खरकाई ब्रिज। कॉन्टैक्ट 9835160895।
उमा कैफे एंड हंगर्स कॉर्नर, डिलीशियस ब्रेकफास्ट एंड लंच एंड डिनर इन अ रीजनेबल प्राइस। हाइजीन की गारंटी, घर में बने लजीज पकवान का एहसास। अपने दोस्तों और परिवार के साथ एक बार अवश्य पधारें। ग्राहकों की संतुष्टि हमारा उपहार। यहाँ पे सस्ते दामों में ब्रेकफास्ट, दोपहर का खाना और रात का भी प्रबंधन हम लोग करने जा रहे हैं, और हम लोग इसके साथ एक डोर टू डोर जो कि एक गाड़ी रहेगा हर हॉस्पिटल में मरीजों को कम एक कीमत पे खाने का जो ये होता है वो लोग हम लोग सप्लाई करेंगे। उमा कैफे एंड हंगर्स कॉर्नर, ग्राउंड फ्लोर, रेड क्रॉस भवन, साक्ची, जमशेदपुर। एलकाडो हेल्थ केयर, आवर एक्सपर्टीज योर हेल्थ। एलकाडो हेल्थ केयर, अ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आप रहें स्वस्थ, तंदुरुस्त और फेयर। बस याद रखें एक ही नाम, एलकाडो हेल्थ केयर। जमशेदपुर शहर की हृदय स्थली बिस्टपुर में आपकी स्वास्थ्य सुविधाओं का विशेष ख्याल रखने के उद्देश्य से खुल गया है मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां मिलेगी आपको 24 घंटे डॉक्टर, फार्मेसी, पैथोलॉजी और एम्बुलेंस की सुविधा। यहां आपको मिलेगा डिजिटल एक्सरे, ईसीजी, टीएमटी, अल्ट्रासाउंड की सुविधा, बेहतरीन ऑपरेशन थिएटर सहित आधुनिक सुविधाओं से युक्त डीलक्स एवं सुपर डीलक्स केबिन की सुविधा, वो भी कम कीमत पर। एलकाडो हेल्थ केयर में होगी ओपीडी की सुविधा, जहां सभी प्रकार के रोगों के विशेषज्ञ रहेंगे उपलब्ध। एलकाडो हेल्थ केयर ओपीडी में गायनेकोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिशियन, सर्जन, फिजिशियन, डायबिटोलॉजी, पेडियाट्रिशियन, डेंटल, न्यूरोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, ईएनटी स्पेशलिस्ट रहेंगे उपलब्ध। एलकाडो हेल्थ केयर, ड्रीम हाइट, ग्राउंड फ्लोर, क्यू रोड, साउथ पार्क, नियर चिन्मय विद्यालय, बिस्टपुर, जमशेदपुर। फोन नंबर 0657-291-4568, मोबाइल नंबर 7280-44446, 47, 48 and 49। हमारा ईमेल आईडी है care.alcado@gmail.com और care@alcadohealthcare.com। हमारी वेबसाइट है www.elcadohealthcare.com। खुल गया आपके अपने शहर में आपका अपना आरती कलेक्शन, आपकी खूबसूरती पर चार चांद लगाने, अप टू 30% डिस्काउंट के साथ आपका अपना आरती कलेक्शन। हमारे यहाँ आपकी सारी जरूरत की चीजें उपलब्ध हैं, जैसे जयपुर की प्रसिद्ध चूड़ियाँ, कांच की फैंसी चूड़ियाँ, रियल अमेरिकन डायमंड, 1 ग्राम गोल्ड प्लेटेड नेकलेस, सिटी गोल्ड। कुंदन सेट्स, इंडियन एंड वेस्टर्न इयररिंग्स, ऑल टाइप्स ऑफ कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल। हमारे यहाँ सभी तरह के ज्वेलरी सेट रेंट पर दिए जाते हैं। इतना ही नहीं, 2000 की खरीदारी करने पर फ्री होम डिलीवरी और 3000 की खरीदारी पर आकर्षक उपहार। तो फिर देर किस बात की, आज ही आइए अपने मित्रों और परिवार के साथ। आरती कलेक्शन, शॉप नंबर 35B/A ब्लॉक, रोड नंबर A, नियर कैनरा बैंक, कागल नगर, सोनारी।
कॉन्टैक्ट 8271-99046। अल करीम फास्ट फूड, एक जाना पहचाना नाम, आपके लिए लेकर आया है लजीज व्यंजनों को, वो भी आपके घर के करीब। शहर में विभिन्न स्थानों पर हमारे कैटरिंग आपकी सेवा में। महंगाई के इस दौर में भी किफ़ायती और लजीज चाइनीज व्यंजनों के लिए हमारे कोलकाता से आए विशेषज्ञ शेफ प्रॉपर हाइजीन के साथ। इसके अलावा बिरयानी, फ्राइड राइस, रोल्स के अनगिनत आइटम्स। एक बार अवश्य आए अपने परिवार और दोस्तों के साथ। अल करीम फास्ट फूड, बर्थडे, मैरिज और किसी भी ओकेजन के लिए हमसे संपर्क करें। बवासीर से अब घबराना क्या, चाहे किसी तरह का हो बवासीर, चाहे खूनी हो या वादी, मात्र 7 दिनों में उपचार की पूरी गारंटी। शमीम खान नवेदी। बवासीर 2 तरह का होता है, एक खूनी होता है, एक वादी होता है। कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? पूरे झारखंड से आते हैं। आप ये भी मान लें कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से काफ़ी जगह से लोग आते हैं। एड्रेस? डटकीडी, डटकीडी मेन रोड नियर जमजम। देश के कोने कोने से आने वाले मरीज हो चुके हैं लाभान्वित। धतकीडी जमजम स्टोर के सामने। कॉन्टैक्ट 9308081071 9031। शिक्षा निकेतन CBSE एफिलिएटेड, आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। इंडियन बेकरी, स्पेशलिस्ट इन केक एंड कॉन्फेक्शनरी आइटम। ऑनलाइन बुकिंग फैसिलिटी। स्पेशलिस्ट इन ऑल टाइप्स ऑफ पेटीज, केक, कुकी, पिज्जा, बर्गर, हॉट डॉग, एगलेस केक, बर्थडे केक, एनिवर्सरी केक,
वेडिंग केक, थ्री रोल, फ्रूट केक, ऑल टाइप्स ऑफ बिस्किट, मैरिज एनिवर्सरी केक एंड स्कूल ऑर्डर स्पेशलिस्ट. Please do visit with your friends and family.